सब्ट्रैक्शन में भी जैसे दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, जैसे एक वेक्टर ये है इस तरह से, एक वेक्टर ये इस तरह से दिया हुआ है आपको, ठीक है, और एक और वेक्टर ले लेते हैं, ये दूसरा वेक्टर होगा, ठीक है। थोड़ा नेम कर देते हैं इनको, जैसे ये जो पॉइंट है इसको ओ कर देता हूँ मैं, इसको ओ कर दिया, दे इनके बीच का एंगल ले लेते हैं, एंगल इनके बीच का है थीटा, ठीक है, इसको पी कर देते हैं, इसको क्यू कर देते हैं, है ना। अब ये ओ पी जो है ये तो हो गया आपका ए वेक्टर, दिस वन इज ए वेक्टर, एंड ओ क्यू इज बी वेक्टर, ओके, दिस वन इज डी वेक्टर। तो अब पहले तो हमने क्या करा था, एडिशन करा था, नाउ वी हैव टू डू अ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करना है अपन को, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे ओ क्यू वेक्टर है, यहाँ देखना आप, ओ क्यू वेक्टर जो है इस तरह से, ये ओ क्यू वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर आपका क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही हम देखें जो ओ पी वेक्टर है, ओ पी वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओ क्यू वेक्टर जो है, ओ क्यू वेक्टर का बनाते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो उसका नेगेटिव वेक्टर कैसे बनेगा, नेगेटिव वेक्टर बनेगा जितना मैग्नीट्यूड इसका है, यानी ओ क्यू का जितना मैग्नीट्यूड है, जितनी मैग्नीट्यूड ग्राफिकली मैग्नीट्यूड कौन शो करता है, जो लेंथ ऑफ लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है, ठीक है। तो जितनी लेंथ ऑफ लाइन है उतनी ही लेंथ ऑफ लाइन का वेक्टर आपको बिल्कुल यहाँ नीचे की तरफ बनाना है, ठीक है, इस तरह से जितनी इसकी लेंथ है ओ क्यू की उतना ही लेंथ इधर बनाना है, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं एस, इसको मैंने एस कर दिया, ठीक है, और ये वेक्टर इस तरह से बन गया आपका, है ना। तो ये जो वेक्टर होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस बी वेक्टर को करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इसका अपोजिट वेक्टर हो गया ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हियर हियर ओ एस वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। बी का जो है ये क्या है, नेगेटिव वेक्टर है, यानी हम ये लिख सकते हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं कि ओ एस वेक्टर, ठीक है, ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ क्यू वेक्टर, ठीक है, मीन्स इट विल बी इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, है ना। तो ये नेगेटिव वेक्टर बना दिया आपने, है ना। अब ये देखो आप, यहाँ से हमें अब रिजल्टेंट किसका निकालना है, ओपी वेक्टर का और ओएस वेक्टर का, हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो वही रूल तो सिंपल है जो आपने स्टडी करा है, हम क्या करेंगे, ओपी के पैरेलल एक लाइन बनाओ यहाँ पर, ओपी के पैरेलल, ठीक है, जैसे आपने ओपी के पैरेलल ये लाइन बनाई, ये बन गई आप, ये ओपी के पैरेलल लाइन यहाँ तक बनाई, ये आपका क्या हो गया, ये टी कर देता हूँ मैं इसको। अब बिकॉज जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर पैरेलल है किसके, इसके एस टी वेक्टर के, तो इसलिए जो एस टी वेक्टर है, एस टी वेक्टर कितना हो जाएगा, एस टी वेक्टर भी ए वेक्टर हो जाएगा, आ रही है नहीं आ रही बात समझ, एस टी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं अपन, एक और पैरेलल लाइन बनाते हैं। पैरेलल कैसे बनाओगे आप, यहाँ पर, है ना, ध्यान से समझते आना। हाँ, ये लॉज जो है पैरेललोग्राम लॉ जो है वो ट्राइंगल लॉ से भी प्रूफ हो जाता है, ठीक है, तो वो बात बना दोनों ही की है। अब देखो आप इसके, अब क्या करो, ओ एस के पैरेलल बनाओ, ओ एस के पैरेलल बनाओ, तो ओ एस के पैरेलल हम बनाएंगे, ये बनाई ओ एस के पैरेलल, ठीक है, ये ओ एस के पैरेलल बनाई आपने। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिकॉज दिस ओ एस वैक्टर इज पैरेलल टू दिस पी टी वैक्टर, जब भी वेक्टर में लिखो डायरेक्शन का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, सो डेट दिस पी टी वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, दिस पी टी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर ना भाई ये। तो अब जरा आप ध्यान से देखो, ये पैरेललोग्राम लो हमने यहाँ पर लगाया था, ये देखो ये पैरेललोग्राम यहाँ लगाया था आपने, इसके पैरेलल लाइन बनाई थी, ठीक है ना, इस तरह से सेम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, बस हमने क्या लिया है नेगेटिव। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ओ पी टी एस एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इस, अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन शो करेगा, इसका डायगनल, तो आप इसका डायगनल बना दोगे, है ना, इसका क्या बना देंगे अपन,
डायगनल बना दोगे, पर आप एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो एंगल है आप ए वेक्टर यानी कि एंगल बिटवीन, ध्यान से देखना, एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड ओएस वेक्टर, क्योंकि आप ओपी और ओएस का रिजल्टेंट निकाल रहे हो ना, तो एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड ओएस वेक्टर ये एंगल कितना आएगा, इतना होगा, वेरी गुड, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। दिमाग थोड़ा ओपन रख रहा अपना, ये जो एंगल है ये आपका बेटा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब हम इसका रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो रिजल्टेंट के लिए डायगनल बनाओगे आप, तो डायगनल ड्रॉ करो, ये आपने डायगनल बनाया, ये आपने डायगनल बना लिया यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। अब ये जो डायगनल बनाया है ये किसको शो करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया, ठीक है। और इनके बीच का एंगल में 180 डिग्री माइनस थीटा लिख देता हूँ, किस किस के बीच का एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, थोड़ा ध्यान रखना आप, 180 डिग्री माइनस थीटा ओपी वेक्टर और ओएस वेक्टर यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, तो आई कैन राइट डेट बाय बाय पैरेललोग्राम लो, बाय पैरेललोग्राम लो, तो पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, जो डायगनल होगा आपका, डायगनल मतलब ओटी वेक्टर, और ये डायगनल जो है ये दोनों वेक्टर के एडिशन के बराबर होगा, यानी कि ओपी वेक्टर एंड प्लस आपका ओएस वेक्टर, समझ में आ रहा है। अब ओपी वेक्टर कितना है जरा देखें आप, ओपी वेक्टर कितना है, ओपी वेक्टर तो आपका ए वेक्टर है, तो ओपी वेक्टर तो आपका ए वेक्टर हो जाएगा, प्लस ओएस वेक्टर कितना है, तो ओएस वेक्टर आपका कितना है, माइनस बी वेक्टर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी वेक्टर, ये हो गया आपका माइनस बी वेक्टर, समझ में आ रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये आपका ओटी वेक्टर क्या है, ओटी वेक्टर तो आपका आर वेक्टर है, ठीक है। ओटी वेक्टर जो है यहाँ पर ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, दिख रहा है ना आपको, ओटी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, तो यहाँ पर आर वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास देखो क्या आ गया, ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समझ रहे हो, इस वाली डेरिवेशन की फर्स्ट इक्वेशन कर देता हूँ। तो इस तरह से नाउ यू हैव अ यू सब्ट्रैक्टेड द टू वेक्टर्स, इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ गया। पर ये तो हमने आपको कैसे करके बताया है, ग्राफिकली, है ना, और ग्राफिकली आप ये भी यू कैन सी क्लियरली ग्राफिकली दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर रिजल्टेंट वेक्टर, व्हाट आर द पोजीशन योर ए वेक्टर एंड द नेगेटिव वेक्टर। तो ये तो हमारा ग्राफिकली हो गया। अगर आपसे एनालिटिकली फाइंड आउट करना हो, जो कि आपको करना होगा एनालिटिकली, तो एनालिटिकल क्या फॉर्मूले बनेंगे वो देखते हैं अपन। अब देखते हैं इसका एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो अब एनालिटिकल मेथड में इतनी डेरिवेशन नहीं करनी है हमें, क्योंकि हमें फॉर्मूला ऑलरेडी फॉर्मूला हमने डिराइव कर ही रखा है। तो हम फर्स्ट क्या निकालते हैं इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं अपन। तो अब देखो आप एंगल कितना है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा है, समझ रहे हो बात को, इनके बीच का एंगल कितना है बेटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आप जब फॉर्मूला लगाओगे रिजल्टेंट वेक्टर का, तो ये आएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, और यह आ जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस आ जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब मुझे बताओ कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, हाँ माइनस कॉस थीटा होता है, आता है नहीं सबको, क्यों भाई, क्यों, कोई यस ऐसा सर, है कि जिसको समझाया जाए, हाँ कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता कि भाई क्या होता है टिक्नोमेट्री में, टिक्नोमेट्री में आप इस तरह से क्वाड्रेंट बनाते हो, ये क्वाड्रेंट हो गया, फिर आप क्या करते हो ऑल एस टी सी, ठीक है, 180 डिग्री कहाँ आएगा आपका, इस जगह आएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा,
कोस 180 डिग्री में, या अपन एक बार देख ही लेते हैं कि तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं चाहिए। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा। और 180 डिग्री माइनस थीटा, आप आ जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला बनेगा अपना, तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा मैग्नीट्यूड का, वो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और सब्ट्रैक्शन में आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है, बिना ग्राफिकल मेथड के, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई, किसकी बात हो गई, ये तो आप क्या हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए ये एंगल अपन हॉरिजॉन्टल से ही लेते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल से मान लो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। देखो अगर आपको मैकेनिक्स समझनी है ना, तो ये सब डायग्राम कैसे बन रहे हैं, ये सब इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और इनको समझना पड़ेगा, अदरवाइज फिजिक्स जो है एक मिजरेबल हो जाएगी आपके लिए कि यार ये कैसे क्या हो रहा है। तो इसलिए इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझना है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई क्वेश्चन कर लेना आप लोग, पर डायग्राम्स अच्छे से बनाना सीख लेना। अब देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो डायरेक्शन जब हम निकालेंगे तो क्या करना है, डायरेक्शन मैंने आपको पहले बताया कि अल्फा ही निकालना है हमें, तो अपन सेकेंड लिख लेते हैं यहाँ पर। सेकेंड हम क्या निकालेंगे कि भाई डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर में से हमने अल्फा ले लिया, अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद विद वेक्टर ए, है ना। अभी तो हम यहीं से रेफर ले लेते हैं, ये रेफर वेक्टर ए, या आप ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो भी वेक्टर हो वो लेना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अभी अपना तो ए था तो इसलिए मैंने ए ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो था वो था टेन एल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला था, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं, देखो थीटा की, हमारा थीटा कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा है अपना, तो यहाँ पर हम करेंगे टेन एल्फा, तो बी साइन जो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, देन ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पर टेन एल्फा निकाला जाए तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या है, प्लस पॉजिटिव है, साइन हाँ, थीटा तो या तो प्लस में ही आ जाएगा बी साइन थीटा आ जाएगा, और नीचे आपको पता ही है क्या आ जाएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से जो सब्ट्रैक्शन है उसमें फॉर्मूला क्या होता है, चेंज हो जाता है, फॉर्मूला किसका आ जाता है, माइनस आ जाता है, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो है एडिशन और सब